इन दिनों होलिस्टिक हेल्थ केयर हर किसी को लगता है, आप भले तो जग भला, और इसलिए लोग ऑर्गेनिक खाना खाना पसंद करते हैं। केमिकल से आया हुआ उनको खाना नहीं है। आम भी बिकती तो पूछते हैं ऑर्गेनिक है, चावल भी लाए तो पूछते हैं ऑर्गेनिक है, गेहूं लाए तो बोले पूछते ऑर्गेनिक है। वो कहता है साहब पैसा डबल होगा, वो बोले डबल ले लो भाई, दवाई खाने से ज्यादा अच्छा है कि महंगा चावल खा लूं लेकिन दवाई खाने के लिए मुझे केमिकल वाला नहीं खाना है। लोग सोच रहे हैं कि दवाई में जो पैसे जाते हैं उससे बजाय वो पैसे अगर ऑर्गेनिक चीजों को खाने में जाते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खर्चा भी कम होने लगेगा। लेकिन ये तब संभव होगा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर प्रयास करें, हम कोशिश करें। आज मैं सिक्किम प्रदेश को बधाई देता हूं। पहाड़ों में 2003 से उन्होंने एक मेहनत चालू की, 2003 से, और 10 साल के भीतर भीतर सिक्किम के पूरे प्रदेश को उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया। आज वहां केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान नहीं है और उनका उत्पादन बढ़ा है, दवाइयां डालनी नहीं पड़ती है, जमीन में सुधार आया। पहले जो जमीन जितना देती थी वो जमीन आज 2 गुना 3 गुना देने लग गई है और उनका बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केटिंग हो रहा है। क्या हमारे देश में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दे सकते हैं? ये तरीके हैं जो हमने आधुनिक कृषि की तरफ जाना है।